वेलकम स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर के बारे में। सो इससे पहले जो दो वीडियो थे उसमें हमने देखा था कि जब एक एसी वोल्टेज को एक रेजिस्टर के साथ दिया जाता है तब करंट और ईएमएफ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और जब एक एसी वोल्टेज को एक इंडक्टर के साथ दिया जाता है तब करंट और ईएमएफ का क्या रिलेशनशिप है। सो आज हम देखेंगे एसी वोल्टेज साथ में एक कैपेसिटर आपका। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक कैपेसिटर को हम लगा रहे हैं आपका एसी सप्लाई के साथ। सो ये हमने कैपेसिटर लगा दिया और साथ ही साथ हमने एसी सप्लाई दे दिया, जो कि हमेशा से हमने वही देते आए हैं इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, इन केस ऑफ इंडक्टर, और वो है आपका E=E0 साइन ओमेगा टी, इतना हमने दे दिया। और ये हमारा कैपेसिटेंस सी का है, तो कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस सी, ठीक है। और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा इस सर्किट के लिए आपका करंट को पता करना, फिर करंट को इस ईएमएफ के साथ कंपेयर करना। नाउ देखिए, जैसे ये ईएमएफ आपका आएगा यहां पर, ये ईएमएफ इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी लगेगा। सो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी आपका यही लग जाएगा। चार्जेस आपका डेवलप करेंगे ऑन द प्लेट्स। सो मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, जैसे प्लेट्स पे चार्ज आपका आ गए। ओके, सो इस पे चार्जिंग शुरू हो चुकी है, प्लेट्स पे चार्ज आ गए आपका, और जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट है वो आपका कितना है, इस ईएमएफ के बराबर है आपका, ठीक है। तो यहां पर हम आपका लिख सकते हैं इन केस ऑफ चार्ज, चार्ज कैपेसिटेंस और ईएमएफ, इनके बीच में रिलेशनशिप हमें पता है। हमें पता है कि क्यू होता है इज इक्वल टू सी वी एक कैपेसिटर के लिए। अब यहां पर आपका जो V है पोटेंशियल डिफरेंस वो E के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा सी ई, ठीक है। और आपका जो E है वो कितना है, E नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया E नॉट साइन ओमेगा टी, इज इट ओके। सो हमारा जो नोन चीज था हमारा Q इक्वल टू सी वी, वहां से लेके हम चार्ज को ऑप्टेन किए हैं इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ। अब देखिए, हमें चार्ज नहीं चाहिए, हमें चाहिए करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट हमें पता लगाना है। सो करंट के लिए हो जाएगा आपका डी क्यू बाई डी टी, ओके, चार्ज पर यूनिट टाइम। चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ आपका सी एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमें आपका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो नेक्स्ट स्टेप में कॉन्स्टेंट्स जो है वो बाहर आ जाएंगे, चलिए बाहर ले आते हैं। डी बाई डी टी ऑफ किसका करना है, साइन ओमेगा टी का, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो साइन का हो जाएगा कॉस, और जो ओमेगा टी पार्ट है उसका हो जाएगा ओमेगा। देखिए यहां दो फंक्शन है, एक साइन फंक्शन है जो टी पर डिपेंडेंट है, दूसरा ओमेगा टी भी फंक्शन है जो टी पर डिपेंडेंट है। सो दोनों का सेपरेट करके आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट हमें मिल जाता है, जो कि आपका चेन रूल कहलाता है। तो एज पर चेन रूल ओमेगा टी का जब होगा तो ओमेगा आएगा, तो ओमेगा को यहां लिख दे रहा हूं मैं, और साइन का हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा। सो ये हमें करंट मिल गया है आफ्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है। चार्ज हमें मिला था आपका कैपेसिटेंस के प्रॉपर्टी के द्वारा, उस चार्ज को हमने डिफरेंशिएट कर दिया करंट निकालने के लिए, और ये रिजल्ट हमें मिल जाता है। नाउ देखिए, इस रिजल्ट को थोड़ा सा हम अलग तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हमें जो ये मिला है, आपको पता है इससे पहले आपने ओनली रजिस्टर सर्किट या ओनली इंडक्टर सर्किट में देखा कि ये पार्ट में जनरली हम आपका करंट फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, करंट के पीक फैक्टर को, और वहां पर हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां ओम्स लॉ का इस्तेमाल करने के लिए हमें करंट को कैसे लिखना होगा, इस पार्ट को हमें ऐसे लिखना होगा एप्सिलॉन नॉट बाई ये जो ओमेगा सी है उसको हम नीचे ले जाएंगे।
सो 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर, ये जस्ट रिप्रेजेंट किया गया है, कुछ अलग नहीं है, चीज आपका वही है, आपको भी पता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ओमेगा सी ऊपर चलाएगा, पर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सो दैट हमारे पास एक ऐसा फैक्टर आ जाए जहां पोटेंशियल डिफरेंस बाय समथिंग हो, ठीक है, और वही समथिंग आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा या रेजिस्टेंस वाला फैक्टर होगा। तो आगे कॉस ओमेगा टी है, लिख देते हैं कॉस ओमेगा टी। नाउ जैसा मैंने बताया ये पूरा फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। नाउ ये आई नॉट और ये फैक्टर को हम फिर से रिविजिट करेंगे अभी, पर बिफोर हमें जो फेज वाला रिलेशनशिप है बिटवीन ईएमएफ एंड करंट उसको देखना है, उसके बाद हम देखेंगे कि आई नॉट किस तरह से एक्सप्रेस है और ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सो हमें आई मिल गया आपका, दिस इज द करंट, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। जैसा कि मैंने आपको इंडक्टर के केस में भी बताया था, यहां पर हम इक्वेशन को नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमें कंपेयर करना है इसके साथ, ये साइन में है ये कॉस में है, ठीक है, तो इसको हम साइन में लिखेंगे। तो साइन में लिखने के लिए ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। नाउ ये सवाल आपके मन में आ सकता है कि क्यों नहीं पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी, क्यों नहीं इसको हम 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखे हैं। अगर हम इसको 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखते तो यहां आ जाता पाई बाय टू, या यही टर्म आपका हो जाता साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी फॉर्म, पर हम ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगेन हमें इसके साथ उसको देखना है। तो यहां ओमेगा टी पॉजिटिव है तो यहां भी हम ओमेगा टी को पॉजिटिव रखेंगे आई में, सो दैट वी कैन इजिली कंपेयर, है ना, इसको कंपेयर किया जा सकता है दोनों के साथ में। और अगर हम ओमेगा टी को यहां माइनस ले लेते हैं जैसे यहां पर, तो हमारे सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर देगा, तो इस चीज को हम नहीं लेंगे, हम यहां जो करंट है हमारा इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। अब आप देखिए करंट जो हमें मिला है वो कैसा मिला है, यहां है फैक्टर ओमेगा टी, यहां है फैक्टर ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, सो क्लियरली फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, ईएमएफ और करंट दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। कितना फेज डिफरेंस है आपका, फेज डिफरेंस है पाई बाय टू का, इतना का फेज डिफरेंस है, ठीक। तो एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट या ऐसा सर्किट जब एसी आपको कैपेसिटर के साथ लगाया जाता है, उस समय जो करंट और ईएमएफ होते हैं उनके बीच में पाई बाय टू का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस तो पाई बाय टू का है। अब कौन लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, तो ये देखिए फेज में ये है ओमेगा टी और ये है ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, सो डेफिनेटली करंट लीड कर रहा है, तो हियर आई लीड्स ई बाय पाई बाय टू, लीड कर रहा है। आपको याद होगा इंडक्टर के केस में हमने देखा था कि करंट लैग कर रहा था, पीछे था ईएमएफ से बाई पाई बाई टू, पर यहां जस्ट उसका अपोजिट है, करंट इज लीडिंग ईएमएफ बाई पाई बाई टू। हमेशा याद करने के लिए एक के टर्म में याद करना चाहिए, आप दोनों याद करने लगोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है कि करंट लीड कर रहा है या ईएमएफ लैग कर रहा है, इस तरह से ना याद करके करंट के रूप में याद कर लीजिए कि रेजिस्टिव सर्किट है तो करंट और ईएमएफ सेम फेज, इंडक्टिव सर्किट था तो उसमें करंट लैग कर रहा था, और एक कैपेसिटिव सर्किट है उसमें करंट लीड कर रहा है, तो ये रिजल्ट हमें मिलता है। अब हम इसका वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, सो रिजल्ट हमारे सामने है आपका, करंट हमें मिल चुका है इन दैट फॉर्म। अब हम पहले वेव डायग्राम बना लेते हैं, तो वेव डायग्राम आपका कैसा होगा, सिंपल होगा वेव डायग्राम आपका, इसका वेव डायग्राम सिंपल साइन कर्व बना दिया, ये हमारा ई हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका ई नॉट, द पीक वैल्यू द एम्पलीट्यूड और द मैग्नीट्यूड आपका, ठीक है। अब हम आते हैं करंट पे, करंट देखिए ये है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब जो भी ये फेज है उससे ही वो पाई बाई टू आगे है, ठीक है, दैट इज लीडिंग ओके बाय पाई बाय टू,
या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। देखो करंट जो है वो कॉस फंक्शन में डिपेंड करता है, यह है साइन यह है कॉस, मतलब जब करंट का ग्राफ बनाएंगे तो वो एक कॉस ग्राफ होगा, और क्योंकि यहां प्लस है तो ये पॉजिटिव साइड से आपका शुरू करेंगे। तो आपका कॉस ग्राफ कहां से, मैक्सिमम से शुरू होगा। ये आपका देखिए साइन ग्राफ जीरो से शुरू हो रहा है, कॉस वाला मैक्सिमम से, बाकी आपके जो इंटरवल्स रहेंगे वो सेम इसके तरह ही रहेंगे। तो यहां से ले लेते हैं आपका ये हो गया करंट, ठीक है। देखिए ये आपका लीड कर रहा है, ये जीरो का है पर ये मैक्सिमम हो चुका है पहले ही, ठीक है। फिर ये जब मैक्सिमम हुआ तब जाके ये जीरो हुआ आपका, तो करंट हियर इज लीडिंग, ये आपका ग्राफ वाला डायग्राम हो गया बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, और ये आपका माइनस आई नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फेजर डायग्राम में। सो फेजर डायग्राम बनाते हैं, अगेन स्टार्ट करते हैं किससे, ईएमएफ से। सो ईएमएफ कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी, चलिए बना देते हैं। ये हो गया आपका ओमेगा टी, ये हो गया आपका ई। आपको पता है इस वेक्टर का जो लेंथ है वो कितना है, ई नॉट के बराबर है, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज ई नॉट, ठीक है, पीक वैल्यू, और ये रोटेट कर रहा है विथ ओमेगा के साथ। अब आपका जो करंट है वो कैसा, देखिए करंट है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो जो फेज है वो है ओमेगा टी, पहले तो ओमेगा टी जाओ उसके बाद और पाई बाई टू जाओ, फर्स्ट ओमेगा टी उसके बाद एक्स्ट्रा पाई बाई टू भी जाना है, तो ओमेगा टी आ गए अब पाई बाई टू चले जाते हैं, तो ऐसा, तो ये आपका 90 डिग्री, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। करंट वेक्टर को थोड़ा हम छोटा बनाएंगे, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ईएमएफ, उसका वैल्यू आपका कम रहे, तो ये आपका करंट हो गया, ठीक। तो ये आपका पूरा एंगल आप देख सकते हैं करंट के रेस्पेक्ट में, अगर पूरा एंगल देखें तो यहां से यहां तक 90, और ये हो गया ओमेगा टी, तो हो गया पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, ये पूरा आपका एंगल है करंट के। अब बच जाता है आपका वर्टिकल बनाना, तो इस तरह से अगर हम एक वर्टिकल प्रोजेक्शन ले लेते हैं, इसका भी और इसका भी, ठीक है, तो ये वाला आपका ईएमएफ का है और ये वाला आपका करंट का है, तो ये हो जाएगा आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये वाला आपका जो प्रोजेक्शन है ये हो जाएगा आपका ये पार्ट, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टी, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हमने इंडक्टिव सर्किट में जो था उसमें बात किया है, ठीक है। तो आपका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन लेंगे यहां से यहां तक का, ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शन हमें मिलेगा फॉर ईएमएफ, ईएमएफ वाला पार्ट के लिए, दैट बिकम्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। और देखिए करंट के लिए, करंट को हमने वाई एक्सिस से मिलाया तो ये हमें मिला, ठीक है, ये पार्ट, इतना पार्ट, ये वाला हमें दे देगा क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस। तो ये हो गया आपका वेव डायग्राम, ये हो गया आपका फेजर डायग्राम, ठीक है। सो हमने ईएमएफ से करंट पा लिया है, करंट का हमने फिर ग्राफिकली और फेजर डायग्राम से भी रिलेशनशिप देख लिया कि भाई किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। 90 डिग्री आप देख सकते हैं जो करंट है वो ईएमएफ से 90 डिग्री आगे है, आगे की तरफ है आपका, ठीक है। और यही करंट जब इंडक्टिव सर्किट था तो ऐसे पीछे की तरफ था, ठीक है ना, वहां वो लैग कर रहा था, पीछे था, पर यहां वो लीड कर रहा है, ओके। सो नाउ अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अब इस आई नॉट पे, सो लेट मी रिमूव दिस पार्ट, और अब हम देखने वाले हैं आई नॉट पार्ट को, ठीक है, जो हमारा आई नॉट हमें मिला है उस पार्ट को अब हम देखते हैं कि वो हमें क्या मिल रहा है। सो यहां से देखिए जो आई नॉट हमें मिला है, दैट आई नॉट इज E नॉट by 1 by ओमेगा सी, ठीक है, ये हमें मिला है आपका आई नॉट के रूप में। सो आई नॉट इज ई नॉट बाई 1 by ओमेगा सी, ये जो आपका 1 by ओमेगा सी है, इस 1 by ओमेगा सी को हम एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स सी बिकम्स 1 by ओमेगा सी, और इसको कहते हैं कैपेसिटिव
रिएक्टेंस, ये कहलाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे इंडक्टिव सर्किट में था, इंडक्टर में था इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहां है कैपेसिटिव रिएक्शन। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC विच इज नथिंग बट 1 बाई ओमेगा C, ठीक है। और ये किस में है, प्योरली आपका एक कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हो उसके लिए ये, उसमें ये आपका करंट को अपोज करता है। हम देख सकते हैं यहां से हमें जो आई नॉट मिल जाता है, आई नॉट मिल जाता है ई नॉट बाई XC। तो एज पर ओम्स लॉ अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस वाला पार्ट में है ना, अगर आप ओम्स लॉ को फॉलो करें या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जाएं तो ऐसा रिजल्ट आपको मिलता है। तो इससे अगर आप कंपेयर करें तो रेजिस्टेंस की जगह कौन आ गया, XC आ गया या 1 बाई ओमेगा C आ गया। तो ये फैक्टर कौन सा फैक्टर है, ये वो फैक्टर है जो एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, मतलब ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर और AC है, वैसे सर्किट में करंट को अपोज करने का काम करता है। सो इट इज सेम एज रेजिस्टेंस, जो काम एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में रजिस्टर करता है करंट को अपोज करने का, वही काम इस वाले सर्किट में XC फैक्टर करता है या 1 बाई ओमेगा C फैक्टर करता है। और इसका ऐसा यूनिट भी आपका क्या है, ओम, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट भी जैसे रेजिस्टेंस का ओम है, XC का या 1 बाई ओमेगा C का भी आपका ओम है आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम यहां पर हमने आई नॉट और ई नॉट के रूप में एक्सप्रेस किया है, मतलब पीक वैल्यू के रूप में एक्सप्रेस किया है, अगर हम इसी को RMS वैल्यू में एक्सप्रेस करें तब कैसे कर सकते हैं, आपको पता है सिंपली अगर हम RMS और पीक वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप देखें तो आपका जो IRMS होता है वो कितना हो जाता है, IRMS हो जाता है आई नॉट बाई रूट टू, ये आपका होता है IRMS इज आई नॉट बाई रूट टू। तो अगर उस चीज को हम यहां देखना चाहते हैं तो दोनों साइड को रूट टू से डिवाइड कर देते हैं, तो ये जाएगा आई नॉट बाई रूट टू इज इक्वल टू, ये हो गया ई नॉट बाई रूट टू इंटू XC, ठीक है। अब देखिए आई नॉट बाई रूट टू क्या है, IRMS, ई नॉट बाई रूट टू क्या है, ERMS बाई XC। सो ये हो गया बिटवीन पीक करंट, पीक EMF, RMS करंट, RMS, एक ही चीज है। आप एक को अगर याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो ऐसा ही सेम है, देखो कोई डिफरेंस नहीं है रिलेशनशिप में। लास्टली आपका जो XC है और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए XC जो है आपका वो है 1 बाई ओमेगा C या 1 बाई 2 पाई ओमेगा हो गया, 2 पाई न्यू, ये हो गया। तो यहां से रिलेशनशिप कैसा दिख रहा है आपको, देखिए XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे बिटवीन XC एंड फ्रीक्वेंसी तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। सो आपका जो पीक EMF होता है इन केस ऑफ, पीक करंट होता है इन केस ऑफ कैपेसिटी, वो हो जाता है ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा C। 1 बाई ओमेगा C इज नथिंग बट XC, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है। इट इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस R, ये वही काम करता है जो प्योरली रेजिस्टिव में R करता है या प्योरली इंडक्टिव सर्किट में XL जो कि ओमेगा L के बराबर ये करता है, वही काम आपका XC भी करता है। So, इन तीनों को एक साथ देखना चाहिए तभी इनके चीजों को हम समझ सकेंगे। वही काम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में R का है, वही काम ओमेगा L का है, वही काम 1 बाई ओमेगा C का है या XC का है, और वो इस तरह से फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड, ठीक है। सो आज के टॉपिक में इतना ही, अगले वीडियो में जब हम देखेंगे तो हम इन तीनों चीजों को एक साथ देखेंगे, मतलब हम देखेंगे एक सीरीज LCR सर्किट, ठीक है, जहां पे आपका L होगा, R होगा और C होगा, तीनों होगा सीरीज में कनेक्शन, फिर आपका किस तरह से करंट आपको मिलता है वो हम देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक, थैंक यू वेरी मच।